सैम उच्ची रख सोच और उच्ची रख पहुंच पर दिखन वाला कर ये देसी खाने बने तार हरियाणे कर यार हरियाणे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया होगे, खुश होगे, मेरी की तरह इसकी तरह रो नहीं रहे होगे। हाँ सीरियसली, अभी मानसी रो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो अभी जा रहे हैं हम एक बार मार्केट में, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। ये देख लो आपकी प्यारी सी मानसी, मैं कैसे रुलाता रहता हूँ। हाँ प्रियांशु तू भी देख ले। ये व्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि इससे खुश हो जाएगी, क्योंकि इसको मेरे से ज्यादा अपनी वीडियो से प्यार होता है। ये थोड़ा सा फनी है। कौन आ गए? बुढ़ी है वादे आगे की देखो। कुछ जस्ट किडिंग गाइस, ये कोई वैसी ऐसी बात है, इसको मतलब सीरियस मत लेना आप। तो अब जा रहे हैं हम एक बार मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है, उसके बाद कहीं और जाना है। मतलब बने रहो आप, सारी चीजें दिखाएंगे, बस कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। नौटंकी बाद अभी रो रही थी, अभी हंसने लगी। मैंने आपको बताया था ना कि इसको वीडियो से ज्यादा प्यार है, इसने सोचा कहीं मैं गंदी ना आ जाऊं, इसलिए इसने स्माइल नहीं फेस कर लिया। ये वजह सीधा दिया, देख कैसा लग रहा बंदरिया सी। ठीक है, क्या हो रखा मूड को? मेरी बीवी मैं नाचू, मैं गाऊ, मैं सितारों में जिम जिमाऊ। रिकॉर्डिंग करके सुनाऊंगी कैसे। मेरी बीवी मैके चली गाइस, इस चीज की खुशी है ना वो ही लोग समझ सकते हैं जिसकी शादी हो रखी है। कितनी हंसी आ रही है। अभी कभी कमेंट करके बताओ कि इस मोमेंट पे किसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। हाँ। जरूर कमेंट करके। अभी हम स्पीड में गाड़ी चला के पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पर, और फिर वहां जाके बातचीत करते हैं, क्या शॉपिंग करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लगे रहिए हमारे साथ वीडियो पे, लाइव टेलीकास्ट विद हन्नी उड्डा विद रोंतड़ी मानसी। देखिए इंसान सर्च कर रहे दारू के गिलास, अब इनको कौन दारू के गिलास देगा। हाँ देख लो यो सही है, मैं बीयर बढ़िया पीता हूं। अरे बस इतनी ज्यादा थोड़ी पीते हैं, इसे बड़ा लो। यो वाला ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, जस्ट किडिंग गाइस। कप देख लेते हैं इतना हम। क्या है बेवड़े इंसान, देख। अरे एक नंबर का लगा। हाँ लगेगा जरूर। वाइन पियोगे ना, वाइन बहुत बढ़िया है। लगेगा देख लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम तो अपना ये लेने के लिए आए हैं और ये ले चुके हैं हम। बताना अभी इनको दिखा देती हूँ कौन सा लिया। अरे वाइन की गिलास ये है। अरे नहीं ना यार भाई, ये वाला लिया है हमने, थे इतने सारे कलरफुल नहीं, ऐसे ही चाहिए था यार। गिलर है ना, सोने की चमचा में खाना खाया करेगी तेरी के। देगी तू, आपने भी चाहिए तो वही कमेंट करो, 100 कमेंट करते हैं आपके पास ये चम्मच पहुंच जाएंगे। लो सर पे उठा लो, ये गिफ्ट हो गया रेडी, उठाओ सर पे। इतनी भारी मार्केट में भीड़। लो चलो जी, यूट्यूबर हो गए? हाँ जी। अच्छा ये देख लो भाई, भरी मार्केट में सामान ले जाते हुए रिंकू के लिए। रिंकू देख ले तेरे लिए कितनी मेहनत हो रही है। लो पूरा जीजा का फर्ज निभा रहे हैं। दूसरे की बाइक पकड़ ली, अपना काम बनता, भाड़ पे जाए जनता, मेरे को छोड़ के बाहर, अब मैं इनके पीछे पीछे भागती रहूं। लो अब एक जगह से और गिफ्ट हो गए, चले फिर। चलो कहाँ चले गए थे, मेरे को इतना वेट करवा रहे थे यार। क्या है वो? फस गई ले। अच्छा जी, थैंक यू। दो गिफ्ट और आ गए, पूरी खातिरदारी हो रही है अपनी साली की है। लो साहब जी रखो जी, वर्दी बिल्कुल। हाँ वही तो देख रही हूँ, गिफ्ट ही गिफ्ट हो गए, सही है। तो अपना जुगाड़ देखो कैसे फंस रहे हैं, मेरी चुन्नी को पीछे मत करना। हाँ ओ ओ वेरी गुड, कार भाई सोच समझ के लगाया करो। भाई बुन नगे नर पेनर खवा देंगे। अच्छा मोटे हो जाएंगे। ठीक है तो होगी शॉपिंग, चले।
छोटे छोटे से है। अच्छा शॉपिंग हो गई भाई डन, अब चलते हैं हम घर पे। सोनीपत को बाय बाय टाटा करके जा रही हूँ मैं आज, इंड्री चले फिर। लो भाई शाम के टाइम हो रहा है हमारा लंच, हुड्डा जी अब अपनी डाइट ले रहे हैं। भाई पहले तो हमें, मेरे को ये भादरगढ़ उतारने वाले थे, अब सिचुएशन ऐसी हुई कि सिचुएशन भाई मेरी हुई टांग। हाँ देखे ऐसे कहते तो बिंगो खाओ मैड एंगल और रो जाओ के हाँ बिंगो खाओ मौज लो लेकिन ब्याह मत करो। ये इंसान फिलहाल ब्याह से बहुत दुखी है भाई, मेरी छाती रो है क्या बताऊं। अब तो होलिया जो होना था अब क्या कर सकते हैं, अब इतना रो है। तो चलो तो, गाइस अब हम एक बहुत ही अच्छी और प्यारी गैला ले यहाँ ले फेरा लिए देख यार ये लगा दो ये कमाल है यार, साइकिल माइकल रंगोली क्या बात है। लड़ी मेरे बिना एक लड़ी लगे घर में बस नाम नाम का ओ भाई। तो गाइस बहुत दुख की बात होगी, मतलब मैं बता नहीं सकता, और एक मतलब ब्लेसिंग भी है बहुत बढ़िया, वो है हमारे श्याम बाबा की, जो आज मैं बहुत ठीक ठाक से सलामत हूँ आपके सामने। अभी अभी KMP पे था मैं, और किसी बाय मिस्टेक साइड वाली गाड़ी की उससे मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो भाग गया। ये देखो भाई दिखा देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ से वहाँ तक ये दिख रही है आपको लाइन, वहाँ से गाड़ी रिपटते हुए आई है डिवाइडर को लगते हुए, ये डिवाइडर पे निशान रहे, ये देखो ये मेरी गाड़ी के निशान है सारे, बहुत आगे तक है। ये गाड़ी की कंडीशन देख लो, मेरी गाड़ी का रिम टूट गया बिल्कुल यहाँ पे, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना दुखी हो रखा हूँ मैं। अब सोनीपत से करेन आ रही है, मेरे को 2 घंटे हो गए वेट करते हुए, वो आएगी तो करके फिर जाऊंगा मैं। और बस एक छोटी सी मिस्टेक जो कि मेरी नहीं साइड वाले की, वो इतनी स्पीड में आया कि मेरे उस वाले शीशे के बिल्कुल लगते हुए निकल गया, जिससे कि मैं एकदम से मिसबैलेंस होगी मेरी गाड़ी और उसी द डिवाइडर के आगे लग गई, वो कि मैं बच गया बस, क्योंकि मेरी स्पीड थी 70-80 की और मैंने बैलेंस कर ली गाड़ी। गाड़ी देख कर चलाया करो यार, तुम देख कर चलाओगे तभी तो हम बचेंगे, रास्ता खराब हो गया यार बिल्कुल। ये टायर देख लो, ये कह रहा हूँ कि मेरी बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी जो मैं बच गया, कि मैंने कभी किसी का ऐसे बुरा नहीं चाहा, ना मैंने करा ना मैं सोचता, बस मेरे कर्म थे जो मेरे आगे आ गए, मेरे को पता कि मेरे साथ अभी क्या सिचुएशन हो रखी थी और अब भी क्या है, बट कोई नहीं सब होता जाता रहता है, लाइफ है लाइफ, उतार चढ़ाव सब कुछ दिखाती है आपको। भैया करेन आई है जिससे टोकर आया है, मेरा बिल्कुल बोलने का मूड नहीं है सही बताऊँ मैं, मतलब दिमाग खराब इतना हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ड्राइव पहली बार हुआ है तो चलाते हैं, दुखी होगा क्या होगा भाई, कुछ ना होना, दुखी होगा जो होना है वो होना है, तो दुखी होगा भी क्यों होना है, लेगा पापा का नाम वाल क्यों, मतलब क्या होगा, कितनी बड़ी घटना थी यार वो छोटी में रहेगी। 7 बजे अरीव करना वर्कआउट। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो, जैसे कि आपने अभी अभी गाड़ी को देखा जो आपको बहुत प्यारी थी। बोलते